आगरा कैंट सुल्तानपुरा के पटाखा विक्रेता कंगाल हो गए हैं। कंगाल हुए पटाखा विक्रेता पर सियासत भी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, हम नेतृत्व से अपना जो बनेगा वहाँ हम अपने, हमें तो सिर्फ इसलिए भेजा गया है कि वहाँ जाके पूरी रूबरू मुझे कराए कितना नुकसान क्या हुआ है। अब हम अपनी बात रखेंगे वहाँ, जब हमने देखा है, सभी अपने दुकानदार भाइयों से मिले हैं, गरीब लोग हैं बेचारे। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति और 16,000 रुपये दे के इस दुकान को किराए पर ख़रीदा है, किराया ले रहे हैं दो, वो जिस मालिक ने जो इनको दुकान दी है किराए पर 16, कोई भी इनके लिए सुविधा नहीं दी है। मैं तो चाहती हूँ कि ये तो बात अपने नेतृत्व को भेजूंगी, लेकिन अगर मेरे आगरा के सभी लोग, ये दुकानदारों का सहयोग रहा तो सबसे पहले मैं उस मालिक के खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी शासन से, अधिकारियों से मिलके, कि जिसने इनको दुकान की किराए पर दिए। किराए पे गरीब पटाखे बेचने वाले को दुख में साथ खड़े हैं हमारी पार्टी, और पार्टी के स्तर से मतलब हमें निर्देश मिला है कि उनके दुख में जा करके सम्मिलित होकर के पूरी रिपोर्ट बना कर दें, कितना नुकसान हुआ है, कितनी कैजुअल्टी हुई है और क्या क्या कैजुअल्टी हुई है, उनकी रिपोर्ट बना करके देना है। और इसकी लड़ाई हम शासन प्रशासन से लड़ करके उनको मुआवजा दिलवाने तक हम विधानसभा तक मतलब इसको उठवाएंगे अपने माननीय अध्यक्ष के माध्यम से। बिल्कुल इनको मतलब पूर्ण मुआवजा मिलना चाहिए, और चूँकि ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, अस्थायी रूप से दुकान चलाते हैं, इन्होंने जाने कैसे कैसे मतलब उन दुकानों में सामान भरा था, और ये मतलब मैं जानता हूं कि अधिकारियों को तुरंत आकर के इसका मतलब वो देना चाहिए जी को, कि जो साल भर का त्यौहार आता है, लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वहां पे बैठे हुए थे, वो इसलिए नहीं बैठे थे कि उनके सामने इतना भीषण अग्निकांड होगा और उन्हें जो है इससे हानि होगी। लेकिन मुझे लगता है हम लोग आप सही में तो कोई इनका सहयोग इतना नहीं कर सकते, लेकिन सरकार चाहे तो एक एक चिन्हित करके ना ही जिनका नुकसान हुआ बाकायदा में जो है उनको जो है पूरा तहसीलदार के माध्यम से SDM साहब के माध्यम से उनको चिन्हित करके उनका मुआवजा दिया जाए, तत्काल उनके त्यौहार पर उनको खुशियों को वापस लिया लाया जाए। हम ऐसी मांग करते हैं सरकार से और यहाँ के प्रतिनिधियों से कि वो तुरंत अमल में लाएँ और सरकार से मांग करें। इस पे मुझे सिर्फ कनौजिया जी एक ही बात कहनी है, ये आपदा तो कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकती है, ये किसी के हाथ में नहीं, ना किसी प्रशासन ने, ना शासन ने, किसी ने ये तो नहीं कही होगी कि साहब यहाँ आग लग जाए या कोई अच्छा हो जाए। हाँ ये जरूर है, चयनित स्थान करने में अगर कहीं गलती हुई है, एक सेकंड में बता रहा हूं, आगे आ रहा हूं, प्रशासन को शासन को दोनों को ये दिमाग में रखना चाहिए कि जो चिन्हित जगह की गई है उसको ठीक तरीके से की जाए, जिससे भावी भविष्य में कोई तकलीफ ना हो, और जिनका नुकसान हुआ है सरकार से मैं मांग करता हूं, प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से, जिन व्यापारियों का, जिनका, जिन बंधुओं का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा निश्चित रूप से मिलना चाहिए। ऐसी मेरी प्रार्थना दोनों सरकार